Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. So if you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe and let me know. Guys, सबसे पहले एक बात बोल देती हूँ, मेरे को पता नहीं मेरे रिकॉर्डिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है. मैं रिकॉर्ड सपोज करती हूँ हाफ एन आवर के लिए, तो पता नहीं बहुत कम रिकॉर्डिंग आती है. मतलब अगर मैं 30 मिनट का रिकॉर्डिंग करूँगी तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग सिर्फ आ जाएगी मेरी 19 मिनट की, ठीक है. या कभी कभी ऐसे होता है मैं 20 मिनट्स की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो वो 16 मिनट्स की ही बताते हैं, मतलब उतनी ही होती. पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है. तो कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कुछ ना कुछ सेटिंग करके फिर से करना पड़ेगा. अब जैसे प्रीवियस वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है तो उसमें लास्ट के एक दो पॉइंट्स की रिकॉर्डिंग रह गई है, वो हुआ ही नहीं है. तो मैं अभी ये पॉइंट ये क्लास में कवर अप करवा देती हूँ. इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस वाला उसके अंदर रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसी की वजह से मेरे को आज ना, मतलब मुझे ऐसे 8 वीडियोस आज अपलोड करनी थी आपके लिए, HRM की 4 और कम्युनिकेशन के लिए 4 वीडियोस. बट कुछ प्रॉब्लम होने के वजह से वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि रिकॉर्डिंग में ही प्रॉब्लम हो रही है. मतलब मैं रिकॉर्ड कितने मिनट की कर रही हूँ, ऐसे मेरे को डबल डबल रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ी क्योंकि जहाँ पे गैप ज़्यादा है मैंने फिर से रिकॉर्डिंग की है. अब जहाँ पे 1-2 मिनट का फ़र्क है वहाँ पर मैंने फिर से रिकॉर्डिंग नहीं की है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रेशन कवर अप कर लेते हैं पहले. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकनसाइलिंग the goals of the organization with those of its members. Integration involves motivating employees through various financial and non-financial incentives. So integration का मतलब क्या होता है कि आप अपने employees को motivate करो financial and non-financial incentives के जरिए, provide करो उन्हें job satisfaction, handling employees grievances through formal grievances procedures, collective bargaining, workers participation in management, conflict resolution, development sound human relation, employee counseling, improving quality of work life, etc. So integration का मतलब क्या होता है कि आप employees को proper financial and non-financial incentives provide करो. उसके अलावा अगर उनको कुछ problem हो तो उन्हें आप अच्छे से handle करो, but वो फॉर्मल तरीके से आप उन्हें हैंडल करोगे. कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब उनकी भी बात सुनोगे, ऐसा ही नहीं है कि जो आपको करना है आप वही चलाओगे, बिल्कुल नहीं. अगर आप ऐसे करोगे तो एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे. फिर नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस के अंदर आपका आता है इट इज कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉयज विद एट वर्क. फॉर दिस पर्पस वेरियस बेनिफिट, यहाँ पर वेरियस होगा, वेरियस बेनिफिट सच एज हाउसिंग, मेडिकल, एडुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. मतलब मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब उनकी हेल्थ का, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है. तो उन्हें हो सके अगर उनका घर बहुत दूर है ऑफिस से तो कंपनी अपनी तरफ से उन्हें रहने के लिए घर प्रोवाइड करती है. देन उनको मेडिकल भी, मतलब होते ना, मेडिकल भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती है, एडुकेशनल फैसिलिटी दी जाती है. उसके अलावा अगर मैं सिक्योरिटी मेजर्स की बात करूँ तो आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, देन आपका ये पेंशन हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें अरेंज की जाती है उनके लिए. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. इसका मीनिंग हम आज कर लेंगे एंड डेफिनेशन देख लेते हैं. ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आर द इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन. सो देखो, ह्यूमन रिसोर्स जो रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट माना गया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन. इट इंश्योर्स द राइट टाइप ऑफ पीपल इन द राइट प्लेस एंड एट द राइट प्राइस राइट टाइम. सॉरी. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या रहता है, सही बंदे को सही प्लेस पे सही टाइम पे रखना. हु आर ट्रेंड एंड मोटिवेटेड टू डू द राइट काइंड ऑफ वर्क एट द राइट टाइम. देयर इज जनरली अ शॉर्टेज ऑफ सुटेबल पर्सन. नाउ इन ऑर्डर टू कोप ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट एन एंटरप्राइज विल हैव टू प्लान इन एडवांस इट्स नीड एंड द सोर्सेज. मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप प्लान करते हो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है या नहीं है. अगर ज़रूरत है तो आपको कैसे टाइप के एम्प्लॉयज़ चाहिए, आपके क्या क्या नीड्स है, उस हिसाब से आप करते हो और आप कौन कौन से सोर्सेज से उन्हें लेके आओगे, इंटरनल से लेके आओगे सोर्सेज से या एक्सटर्नल सोर्सेज से.
The term human resource planning and manpower planning are generally used interchangeably. Human resource planning is not suitable for manpower planning. Rather, the latter is a part of the former, that is, manpower planning is integrated with human resource planning. So, क्या बोला गया है कि जो term है human resource planning और manpower planning ये दोनों interchangeably use की जाती है एक दूसरे के लिए, but human resource planning जो रहता है ये suitable नहीं होता है manpower planning के लिए, क्योंकि जो बाद वाला जो point है वो ज़्यादा वो दे ना rather the latter is a part of the former, मतलब जो बाद वाला जो part है वो पहले वाले के साथ में ज़्यादा अच्छा suit होता है, ठीक है. manpower planning human resource planning के साथ में ज़्यादा suitable होता है, मतलब कि हाँ वही यहाँ पे बोला गया है manpower is integrated with what human resource. तो ये मीनिंग था ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में. डेफिनेशन देख लेते हैं, एक ईडब्ल्यू वेटर ने दी है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजमेंट डिटरमाइंस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर पोजिशन टू इट्स डिज़ायर्ड मैन पावर पोजिशन. तो क्या बोला गया है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पर मैनेजमेंट जो रहती है वो डिटरमाइन करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे उनके करंट मैन पावर पोजिशन, मतलब उनके एम्प्लॉय से जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया जो उनके गोल्स है वहाँ तक पहुँच पाए. इन शॉर्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मे बी व्यूड एज फोरसीइंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द फ्यूचर सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट बिटवीन दिस टू एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लान एंड फोरसीइंग द possibility of developing the supply of human resources in order to match it with requirement by introducing necessary changes in the functions of the HRM. So क्या बोला गया, in short human resource planning जो रहता है ये ऐसे view किया जाता है कि ये जो human resource की जो भी requirement है organization के अंदर and जो भी future supply, मतलब कि जो भी आने वाले time में उनकी जो requirement है उनके प्रति आप necessary adjustment, you do necessary adjustment for this thing and forcing all the possibility that will be coming in the coming time. So accordingly you plan it and accordingly you match with the whatever your requirement you are having. So this was the meaning and definition about the HRM. If at all you are not getting anything, do let me know in the comment section. Thank you. Do join Telegram channel Learn with Hina. Thank you. Keep supporting and keep sharing.